एक आदिवासी महिला, और आदिवासी महिला ने शिक्षिका के रूप में देश की सेवा की। तमाम युवाओं को ये समझाया कि देश ही सर्वप्रिय है और आज कहीं ना कहीं करीब है महामहिम की कुर्सी पर। प्रिया सेठी जी मेरे साथ है, जो पूर्व मंत्री, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रिया जी, आज साबित हुआ है कि महिलाएं किसी से कम नहीं, और कितनी खुशी हो रही है? देखिए, इतनी बड़ी खुशी है कि आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति नॉमिनेट हुई हैं, और इतना समर्थन है किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी का हो, पार्टी रिलीजन कास्ट से ऊपर उठते हुए एक ऐसी शख्सियत को समर्पण दिया गया, ऐसे ही शख्सियत को अपना विश्वास दिया गया जो, और इतनी बड़ी उपाधि से सम्मानित होना मुझे लगता है एक बहुत ही एक हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि के अंदर एक हिस्टोरिक डिसीजन जो एनडीए सरकार का रहा, और उससे ऊपर उठकर जो है देश के हित के अंदर कि आज एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक ऐसी महिला जिसने अपने पूर्ण जीवन में संघर्ष किया, और संघर्ष करते हुए एक ऐसी उपाधि में, चाहे वो झारखंड की गवर्नर रही हों, चाहे वो एक स्कूल को चलाती हों, जिस तरह से उनका कठिन जीवन रहा, आज बहुत ही हमारे लिए एज अ महिला बहुत सम्मानित होने का विषय है कि ऐसी सम्मानित महिला को इतनी बड़ी उपाधि से सुशोभित किया गया। जिस तरह से अगर हम कहें, उन्हें एक तरह से उम्मीदवार के तौर पर भी चुना गया, और अब जो है कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। सांसदों के जो वोट है वो काफी ज्यादा संख्या में उनके खेमे में आ रहे हैं, तो विपक्ष पर कितनी भारी रही, और विपक्ष की कौन सी ऐसी रणनीति थी जो इस समय हार चुकी? देखिए, विपक्ष देश के हित के बारे में नहीं सोचता, सबका साथ सबका विश्वास और सबको इकट्ठा लेकर चलना ही भारतीय जनता पार्टी की एक नियत रहती है और नियति रहती है। इसी को साथ लेते हुए जब एक आदिवासी महिला, जब एक ट्राइबल स्टेट से होती हुई एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन संघर्ष किया हो, ऐसे महिला को अगर हमने ऊपर एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति के उसके ऊपर बिठाया होगा, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है पूरे देश के अंदर, उन ट्राइब्स को भी, उनकी देश आपके लिए सोचता है, ये सरकारें आपके लिए सोचती हैं, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। प्रिया जी, आप लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं, क्योंकि ये महिला से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। उनके द्वारा कहा गया था, कुछ उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा था कि जब वो पढ़ रही थी तब उन्हें कहा गया था कि तुम पढ़कर क्या करोगी, और आज उन्होंने कर दिखाया कि पढ़ाई का क्या महत्व है। तो जो महिलाएं अभी आपको देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रेरणादायक और कैसे प्रेरणा का स्रोत जो है वो बनने वाली आगामी? मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जिस तरह से हमारी महिलाएं और ऐसी शख्सियतें जो कहीं गाँव वगैरह में कहीं ऐसी बैठी है, उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम ऐसा नेतृत्व हम लोगों को कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आज की डेट के अंदर एक महिला लेड गवर्नमेंट नहीं है, महिला जो है अपना पूरा रोल निभा रही है, इस लीड गवर्नमेंट कर रही है ताकि डेमोक्रेसी को सक्षम, क्योंकि 50% आपकी आबादी महिलाओं की है, लॉ मेकर्स हैं, वो लॉ फॉलोअर्स हो सकती हैं, वोटर्स भी हैं, वो साइलेंट वोटर्स हैं, वो लॉ फॉलोअर्स हैं, तो वो लॉ मेकर्स क्यों नहीं हो सकती? आज इस तरह का प्रावधान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके बीच में दिया है, बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव के विषय है। देखिए, गर्व का समय है, क्योंकि एक महिला जिसने अपनी जिंदगी में सबको खो दिया, अपने दो बेटों को खो दिया, पति को खो दिया, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद थे, और सही बात कही प्रिया जी ने कि अगर आप कानून का पालन करती हैं तो आप कानून बना क्यों नहीं सकती? आज देश के लिए सम्मान का एक दिन है, क्योंकि आज एक महिला जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होने वाली है। कुछ ही समय शेष है जब वोटों की गिनती जो हो जाएगी, और उसके बाद ढोल नगाड़े पूरे देश में सुनाई देंगे। आपके हमारे जो सुहाना।